हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में मैं आपके बीए फिफ्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के पेपर नंबर 2 का न्यू सॉल्व मॉडल पेपर लेकर आ गई हूं आपके एग्जाम 2024-25 के लिए। जो भी बच्चे इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते हैं तो उन्हें पता ही होगा कि हमारे चैनल पे इंग्लिश लिटरेचर के पेपर 1 एंड पेपर 2 की पूरी क्लास कराई जाती है और मैं लगातार आप लोगों के हर एक यूनिट पर एक सेपरेट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की प्रोवाइड कर रही हूं ताकि आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर लें। तो आज इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो। अच्छा स्टूडेंट्स, देखिए आपके पेपर नंबर 2 इंग्लिश लिटरेचर में एक नॉवेल है डॉलर बहू, जिसको लिखा है सुधा मूर्ति ने। तो उस डॉलर बहू से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाएंगे आने वाले सभी वर्षों में और 2025 के एग्जाम में भी, तो उसके लिए आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये पूछते रहते हैं कि मैम नॉवेल से किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे, तो इसीलिए मैं हर एक नॉवेल से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस प्रोवाइड करा रही हूँ और हर एक यूनिट का, तो आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। चलिए सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द शॉर्ट समरी ऑफ डॉलर बहू। आपको एक बात बता दूँ कि डॉलर बहू की जो थीम है या फिर जो इसके टाइटल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राइट ए नोट ऑन टाइटल ऑफ डॉलर बहू या फिर राइट ए थीम ऑफ डॉलर बहू, ये जो क्वेश्चन आपसे पूछता है उसके ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तैयार कर लीजिएगा क्योंकि थीम आपसे ज़रूर पूछेगा। अगर आपसे पूछ दे व्हाट इज़ द शॉर्ट समरी क्या है डॉलर बहू नॉवल की, तो आपको अपना आंसर किस तरह से लिखना होगा, तो बहुत ध्यान से अपने आंसर को देखिएगा। डॉलर बहू नरेट्स द स्टोरी ऑफ विनुता। डॉलर बहू ये जो स्टोरी है विनुता की स्टोरी बताती है। ए सिंपल गर्ल एंड ऑर्फेन लुक्ड आफ्टर बाई हर अंकल एंड आंट, जो कि बहुत ही सिंपल लड़की है और एक अनाथ लड़की है। ऑर्फन मतलब होता है अनाथ लड़की, ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, तो ये लड़की अनाथ होती है और ये बहुत ही सीधी सादी सिंपल और अच्छी लड़की होती है विनुता, इसी की स्टोरी इसमें दिखाई जाती है। लेकिन डॉलर बहू जो टाइटल है वो विनुता के लिए नहीं होता बल्कि इसकी जेठानी जमुना के लिए होता है, क्योंकि उसका हस्बैंड डॉलर कमाता है अमेरिका में रह के। तो ये जो कि अनाथ थी इसलिए इसकी जो देख रेख करते थे उसके अंकल और आंटी करते थे। शी इज़ मैरिड टू गिरीश। विनुता की शादी गिरीश से कर दी जाती है, ए सिंपल बैंक क्लर्क। और गिरीश एक बहुत ही सिंपल सीधा साधा आदमी है जो कि बैंक में क्लर्क है। हु अट्रेटली ओबेज हिज मदर, जो अपनी माँ की पूरी आज्ञा मानता है, अपनी माँ का बहुत सम्मान करता है। बट विनुताज मदर इन लॉ गौरम्मा नेवर एक्नॉलेजेस हर सेल्फलेस एटीट्यूड एंड विनुता स्टेज साइलेंट। लेकिन जो विनुता की सासू मॉम हैं, जो मदर इन लॉ हैं जिनका नाम है गौरम्मा, नेवर एक्नॉलेजेस मतलब होता है स्वीकार न करना, तो ये कभी एक्सेप्ट नहीं करती है हर सेल्फलेस एटीट्यूड, इसका जो निस्वार्थ रवैया है। गौरम्मा कभी भी अपने निस्वार्थ रवैये को स्वीकार नहीं करती है और विनुता चुपचाप रहती है, कुछ भी नहीं कहती। इसकी सास इसे हमेशा इग्नोर करती है, इसको प्यार भी नहीं करती, इसी के सामने इसकी जेठानी की तारीफ करती है मगर बेचारी सब कुछ सह जाती है। लेकिन एंड में इसकी सास को इसके प्यार का एहसास हो ही जाता है कि मेरी बहू बहुत अच्छी है और डॉलर बहू अच्छी नहीं है। पूरी स्टोरी पढ़िएगा, पूरी नॉवल मैंने आपको पढ़ाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हु आर द कैरेक्टर्स ऑफ डॉलर बहू। डॉलर बहू में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, तो नॉवल पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैरेक्टर्स ज़रूर पूछेगा। डॉलर बहू इज़ द स्टोरी ऑफ द गौरम्मा। डॉलर बहू में गौरम्मा की कहानी दिखाई जाती है एंड रिच बहू जमुना। और गौरम्मा की एक बहू है, रिच है, बहुत अमीर है, उसका नाम है जमुना, उसकी कहानी इसमें है, पूरा पढ़ेंगे बड़ा अच्छा है। एंड हर अदर सिंपलेटन बहू विनुता। तो डॉलर बहू जो स्टोरी है, जो नॉवेल है, ये एक सास है इसमें गौरम्मा, उसकी कहानी है, उसकी दो बहुओं की कहानी है, बड़ी बहू है जमुना, दूसरी है विनुता। विनुता बहुत ही सिंपल लड़की है। गौरम्मा इज़ ए ग्रीडी मदर ऑफ 3 चिल्ड्रेन चंद्रू गिरीश एंड सुरभि। गौरम्मा एक ग्रीडी और लालची माँ है, 3 बच्चों की माँ है, चंद्रू बड़ा बेटा है, गिरीश छोटा बेटा है, सुरभि एक बेटी है।
चंद्रु की बीवी है, जमुना गिरीश की बीवी है, विनुता चंद्रु अमेरिका में रहकर कमाता है, गिरीश बैंक में क्लर्क है, इसलिए इसका और इसकी बीवी का मान जान कम है अपने घर पर। चंद्रु और चंद्रु की बीवी डॉलर बहू का बड़ा मान जान है। सास जो है इतनी ग्रीडी, इतनी लालची है कि डॉलर के नाम पर अपने उस बेटे की वाइफ को ज़्यादा प्यार करती है जो अमेरिका में रहकर डॉलर कमाता है। लिविंग इन ए स्मॉल हाउस इन बैंगलोर विद हर हस्बैंड शामन्ना, और ये एक छोटे से घर में बैंगलोर में रहती है अपने फैमिली के साथ, उसके हस्बैंड का नाम है शामन्ना। तो ये सारे इसमें कैरेक्टर हैं। गौरम्मा और शामन्ना सास ससुर हैं, सुरभि बेटी है, गिरीश चंद्रु बेटा हैं, जमुना और विनुता बहू हैं, ये सब इसके कैरेक्टर्स हैं। अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट आर द थीम्स ऑफ द डॉलर बहू बाई सुधा मूर्ति, इसकी थीम क्या है। शॉर्ट में थीम पूछ दे तो आप अपना आंसर यही लिखिएगा, लॉन्ग में थीम पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, क्योंकि थीम कभी कभी शॉर्ट में पूछता है, कभी कभी लॉन्ग में पूछता है, तो लॉन्ग वाला क्वेश्चन आंसर मैंने अपलोड कर दिया है। शॉर्ट में पूछेगा तो आप किस तरह लिखेंगे थीम, चलिए देखिए। शी रियलाइजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ हर मदर लैंड एंड लिविंग इन ए जॉइंट फैमिली, तो जो गौरम्मा है उसको रियलाइज़ होता है सिग्निफिकेंस यानी महत्व ऑफ हर मदरलैंड यानी अपनी मातृभूमि इंडिया का, एंड लिविंग इन ए जॉइंट फैमिली और अपने जॉइंट फैमिली का, क्योंकि वो अमेरिका को ज़्यादा अच्छा समझती थी मोर देन इंडिया, कि वहाँ की लाइफ स्टाइल लग्जरी लाइफ बहुत अच्छा है। और जब वो अमेरिका जाती है और उसकी जमुना बहू जो थी वो उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करती, तब उसे अपने मदरलैंड की याद आती है और अपने जॉइंट फैमिली की उसको सिग्निफिकेंस समझ आता है। द डेह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द ट्रेडिशनल इंडिया साइके, ग्रीड फॉर मनी, तो इस प्रकार भारतीय मानस पर धन की लालसा और ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का अमानवीय प्रभाव पड़ता है। द क्रम्बलिंग डोमेस्टिक रिलेशन इन इंडिया एंड इंडियंस एंड ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्रंटेशन आर द मेजर थीम्स इन द नावल डॉलर बहू, और भारत के टूटते घरेलू जो रिलेशन हैं, क्रम्बलिंग डोमेस्टिक रिलेशन इन इंडिया एंड इंडियंस, भारत के लोगों के जो घरेलू टूटते संबंध हैं, और पूर्व ईस्ट वेस्ट पूर्व टकराव इस नावल के मेजर थीम हैं, कि किस तरह से इंडिया के बाहर की जो फॉरेन लैंड है, विदेशी जो दुनिया है, वहाँ पर किस तरह भारतीय लोगों के रिलेशन एक दूसरे से टूटे हुए हैं, कमज़ोर हुए हैं। तो ये सब कुछ जब गौरम्मा अमेरिका जाकर देखती है तब उसे अपने मदरलैंड का ख्याल आता है, अपने इंडिया का याद आता है और अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम उसे याद आता है, और उसे वो सब कुछ अच्छा लगने लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is the conclusion of the fiction डॉलर बहू, this is very important question, 100% ये question आपके exam के लिए important है, कि conclusion क्या है इस fiction का। fiction मतलब होता है novel कहिए या fiction कहिए, तो डॉलर बहू novel का या fiction का conclusion क्या है। The fiction concludes on a note of regret and penance where गौरम्मा the mother-in-law and Vinuta realizes the invincible dollar had fallen। चलिए, द फिक्शन कॉन्क्लूड्स, इस फिक्शन का जो कॉन्क्लूज़न है वो यही है कि गौरम्मा जो है सासू मॉम जो थी विनुता की, वो रियलाइज़ करती है और उसे रिग्रेट होता है, पश्चाताप होता है और उसको बहुत अफसोस होता है अपनी गलती का। मदर इन लॉ ऑफ विनुता रियलाइजेज दैट द इनविजिबल डॉलर हैज़ फॉलन, और विनुता की जो सासू माम गौरम्मा है वो रियलाइज़ करती है दैट द इनविजिबल डॉलर, जो अदृश्य डॉलर है कि वो गिर चुका है। यही बात जो है, ये पूरा जो सेंटेंस है द इनविजिबल डॉलर हैज़ फॉलन, ये गौरम्मा का एक लास्ट सेंटेंस है जिस पर ये पूरा नावल एंड होता है, कि जिस डॉलर की वजह से वो अपने बहू को ज़्यादा प्यार करती थी जमुना को, तो जब जमुना उसके साथ मिसबिहेव करती है तब उसे याद आता है अपने विनुता के बारे में, और तब वो कहती है कि इनविजिबल डॉलर हैज़ फॉलन, की अदृश्य डॉलर अब गिर चुका है, एंड दैट शी हैज़ नेवर वैल्यूड द प्योर गोल्ड
दैट शी पोजेस्ड इन द फॉर्म ऑफ हर ए प्योर सोल ऑफ हर डॉटर इन लॉ विनुता. उसे अपनी बहू विनुता की शुद्ध आत्मा प्योर सोल और उसके पास मौजूद शुद्ध सोने की कभी सराहना ही नहीं की उसने. तब उसे याद आता है कि उसने आज तक कभी भी उस सोने की कीमत नहीं समझी जो उसकी बहू के पास है, जो उसकी बहू विनुता के पास है. उसने हमेशा उस प्योर गोल्ड को नज़रअंदाज किया, उसके प्यार की कीमत नहीं की. तो यही पूरा इस डॉलर बहू फिक्शन का कॉन्क्लूज़न है और सासू माम को अपनी गलती पर बहुत अफसोस भी होता है. आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं. ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अगला आपका क्वेश्चन है, व्हेन एंड इन विच लैंग्वेज द नॉवेल डॉलर बहू वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड. डॉलर बहू नॉवेल किस लैंग्वेज में लिखा गया है और ये फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था. द नॉवेल डॉलर बहू वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2005. 2005 में इसको पब्लिश्ड कराया गया था एंड रिटन इन कन्नड़ लैंग्वेज. और इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज कन्नड़ है क्योंकि सुधा मूर्ति इसके राइटर हैं और सुधा मूर्ति क्या है, साउथ इंडियन है. कन्नड़ उनकी मातृ लैंग्वेज है तो इसलिए इन्होंने इसको कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा है. बाद में ये इंग्लिश में ट्रांसलेट की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज शो द नॉवेल डॉलर बहू. ये डॉलर बहू नॉवेल क्या शो करता है, क्या दिखाता है. The novel डॉलर बहू shows the value of mutual attachment and domestic relation. ये novel डॉलर बहू दिखाता है value of mutual attachment. Mutual मतलब होता है आपसी attachment को, value को ये दिखाता है and domestic relation को दिखाता है कि कैसे एक माँ, कैसे एक सास उस बेटे और बहू को ज़्यादा प्यार करती है जो अमेरिका में रहकर डॉलर कमाता है और उस बहू की कोई वैल्यू नहीं है जो घर पे रह के पूरा काम भी करती है, स्कूल में पढ़ाकर इंडियन रुपीस कमाती है. उस बहू की कोई वैल्यू नहीं है. तो ये डोमेस्टिक रिलेशन को दिखाता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर डिज फर्स्ट मीट चंद्रू एंड विनुता. चंद्रू और विनुता पहली बार कब मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं. तो अब आप कहेंगे चंद्रू तो जमुना का हस्बैंड था तो विनुता से ये कैसे मिला. तो देखिए चंद्रू विनुता से मिलता है और विनुता को पसंद भी करने लगता है, लेकिन विनुता की शादी होती है चंद्रू के छोटे भाई गिरीश से क्योंकि चंद्रू कभी अपने दिल की बात विनुता को नहीं बता पाता और इसकी जॉब लग जाती है अमेरिका में और वह वहीं पर सेटल हो जाता है. और विनुता की शादी इसके भाई गिरीश से हो जाती है और गिरीश और विनुता जब एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार करते हैं और शादी कर लेते हैं. तो नॉवेल में मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है, आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि पढ़ने से ही कितने क्वेश्चन आंसर आपके रेडी हो जाते हैं और एग्ज़ाम में आप इजीली आंसर दे पाते हो. चंद्रू एंड विनुता मेट फर्स्ट टाइम इन रानी कट्टर चेन्नम्मा एक्सप्रेस. तो ये लोग ट्रेन में मिलते हैं, चेन्नम्मा एक्सप्रेस में ये लोग फर्स्ट टाइम मिलते हैं. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजर थीम ऑफ द नॉवेल डॉलर बहू. नॉवेल डॉलर बहू की मेजर थीम क्या है. तो आपको तो ये बता ही दिया है मैंने कि द डेह्यूमनाइजिंग इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द ट्रेडिशनल ह्यूमन साइके इन द मेजर थीम ऑफ द नॉवेल डॉलर बहू. पारंपरिक भारतीय मानस पर धन की लालसा और वैश्वीकरण का अमानवीय प्रभाव पड़ा है और यही इसकी मेन थीम है कि कैसे फॉरेन लैंड में रहकर लोगों के रिश्ते एक दूसरे से टूटते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं और तब जाके गौरम्मा को एहसास होता है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट डज डॉलर शो इन द नॉवेल. डॉलर क्या शो करता है नॉवेल में. तो नॉवेल में डॉलर एक सिंबल के रूप में यूज़ किया गया है राइटर के थ्रू. इन द नॉवेल डॉलर बहू, नॉवेल डॉलर बहू में द वर्ड डॉलर सिंबलाइजेस पावर. डॉलर एक प्रतीक है पावर का क्योंकि डॉलर कमाता है कौन, चंद्रू. चंद्रू यहाँ पे है ना, चंद्रू ये क्या कमाता है, डॉलर कमाता है. तो अब छोटा बेटा गिरीश जो है वो इंडियन रुपीस कमाता है, बैंक में क्लर्क है, जबकि बड़ा बेटा चंद्रू सिविल इंजीनियर है. तो उसका मान जान उसकी माँ ज़्यादा करती है, उसकी वाइफ का ज़्यादा सम्मान होता है, जबकि वो बड़ी घमंडी अजीब टाइप की लड़की रहती है तो भी उसकी सास सब भी उसी को ज़्यादा प्यार करती है. क्यों, क्योंकि उसका हस्बैंड डॉलर कमा रहा है. तो डॉलर को एक पावर के रूप में दिखाया गया है कि कैसे जो ज़्यादा कमाता है और बाहर रहता है, फॉरेन रहता है, तो उसकी सम्मान, उसकी इज्जत ज़्यादा होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड जमुना सेंड टू सुरभिज वेडिंग. जमुना सुरभि की शादी में क्या भेजती है, क्योंकि जमुना तो अपने हस्बैंड चंद्रू के साथ अमेरिका में रहती है
तो उसकी ननद सुरभि की जब शादी होती है तो जमुना अपनी नंद को क्या भेजती है गिफ्ट में शादी पर? जमुना सेंट यूज्ड साड़ी इन डेकोरेटेड बॉक्सेस ऑन सुरभिज वेडिंग। देखिए, यूज़ की गई साड़ी को एक अच्छे से डब्बे में सजा करके वो भेजती है, यानी कि पुरानी साड़ी वो भेजती है अपनी नंद की शादी पर। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कैसी ख़राब औरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज गौरम्मा गो टू अमेरिका? गौरम्मा अमेरिका क्यों जाती है? गौरम्मा गोज़ टू अमेरिका फॉर जमुनाज डिलीवरी। जमुना को बेटी होने वाली थी, बेटी हो जाती है और उसी की देख रेख करने के लिए गौरम्मा अमेरिका जाती है अपनी पोती का ख्याल रखने के लिए। तो ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सभी को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ चंद्रू एंड गिरीश? गिरीश का और चंद्रू का, ये दोनों भाई हैं, इनका प्रोफेशन क्या है इस नॉवेल में? चंद्रू वाज ए सिविल इंजीनियर। चंद्रू सिविल इंजीनियर है एंड हिज ब्रदर गिरीश वाज ए क्लर्क इन ए बैंक, और उसका छोटा भाई गिरीश बैंक में क्लर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेयर डिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसकी ग्रीस की जो माँ थी इतना तंग करती है कि इन्हें दूसरी जगह सेट होना पड़ता है। वेयर डिड ग्रीस गेट हिज ट्रांसफ़र? ग्रीस कहाँ चला जाता है, उसका ट्रांसफ़र कहाँ होता है, कहाँ लेके वो अपनी वाइफ को सेट हो जाता है? क्योंकि देखिए, सास ने तो कभी छोटी बहू विनुता की कदर की ही नहीं, बड़ा तंग करती थी बेचारी, मेंटली फिजिकली तरीके से वो डिस्टर्ब हो चुकी थी, उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, बस जो थी जमुना थी, जमुना थी, उसी की हवाई ससुराल में रहती थी। तो गिरीश वॉज ट्रांसफर टू धारवाड इन द एंड ऑफ नॉवेल डॉलर बहू, और जब एंड होता है इस नॉवेल के एंड में, धारवाड जो कि कर्नाटका की एक सिटी है, उसमें गिरीश का ट्रांसफ़र हो जाता है और वो अपनी वाइफ विनुता को लेकर वहीं पर सेट हो जाता है, सेटल हो जाता है। अब देखिए, जब अमेरिका में गौरम्मा इतनी इंसल्ट होती है अपनी बहू जमुना के थ्रू, तब उसे अपने छोटी बहू विनुता का ख्याल आता है और वो सोचती है कि वो अब विनुता को बहुत प्यार करेगी। तो जब वो घर आती है, देखती है कि विनुता और गिरीश तो अब अलग हो गए, गिरीश का ट्रांसफ़र हो गया और वो अब लोग अलग धारवाड़ जाके रहते हैं, तो इस तरह से ये नॉवेल ख़त्म हो जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आज के इस वीडियो में डॉलर बहू से जितने भी पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो इनको आप एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और ऐसे ही आपके सिलेबस में जितने भी नॉवेल हैं सभी को मैंने पढ़ा दिया है, सभी पर सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को भी अपलोड कर दिया है, लॉन्ग को भी मैं चैनल पे अपलोड लगातार कर रही हूँ। तो आप चेक करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।